फेमस स्ट्रीट फूड, उसे कहते हैं रगड़ा पेटीज। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले रगड़ा बनाना होगा, साथ ही हम बनाएंगे पेटीज। रगड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं मटर, ये उबले हुए मटर हैं। ये देखिए जो सफ़ेद मटर आती है मार्केट में सूखी हुई, वही मटर है। इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था और अच्छे से उबाल के ले लिया है। ये देखिए बढ़िया सी मटर हमने यहाँ पर उबाल ली है। साथ ही यहाँ पर हमने रगड़ा बनाने के लिए आलू का भी यूज़ करेंगे। पेटीज भी हम आलू से ही तैयार करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 बड़ी साइज़ के आलू हैं जिन्हें अच्छे से बॉईल करके ले लिया है। हमारे पेटीज अच्छे बने उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है पोहे का पाउडर। ये है पोहे का पाउडर, ये मैंने 3 बड़ी चम्मच भर के लिया है। इसका यूज़ हम अपने पेटीज को बनाने के लिए करेंगे। आप पोहे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम ही रहता है। साथ ही यहाँ पर हम अपने रगड़े को बनाने के लिए नमक का यूज़ करेंगे और हल्दी का यूज़ करेंगे। रगड़े को वघार के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हरी मिर्च। ये है 2 से 3 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हमें रगड़े को एकदम सिंपल ही रखना है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया। पेटीज को यहाँ पर हम बाद में तैयार करेंगे, सबसे पहले बना लेते हैं रगड़ा। रगड़ा बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल रखा है। तेल हमें रगड़ा बनाने के लिए बहुत ही कम चाहिए। डाल देते हैं हम हमारी हरी मिर्च। हमारी हरी मिर्च यहाँ पर फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, साथ ही इसमें डाल देते हैं हमारे मटर। इसे हम अच्छी तरह से उबलने देते हैं, साथ ही यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा नमक। थोड़ा नमक मैंने उबलने के समय भी डाला था, अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पर हमारा रगड़ा अच्छे से बने इसके लिए इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 आलू। ये जो बॉईल किया हुआ आलू है उसमें से 1 आलू हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। इससे हमारा रगड़ा बहुत अच्छा बनेगा और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस अब हम इन्हें अच्छे से उबलने देंगे और तैयार है हमारा बढ़िया सा रगड़ा। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से हमारे रगड़े को उबाल लिया है। बढ़िया सा रगड़ा हमारा यहाँ पर देखिए बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बस हमें इतना ही रगड़े को पकाना है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तैयार हो गया है हमारा बढ़िया सा रगड़ा। अब हम बनाएंगे पेटीज। हमने यहाँ पर आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। मैश्ड आलू है ये, इनमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। ये है मेरे पास 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पर इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच नमक। साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। ये है मेरे पास 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, यह भी इसी में डाल देते हैं। इससे हमारे पेटीज बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 3 बड़े चम्मच पोहे का चूरा, अब पोहे का चूरा भी इसमें डाल देते हैं। इससे हमारे पेटीज बहुत बढ़िया बनते हैं और उनमें बाइंडिंग भी बहुत बढ़िया सी आती है। यहाँ पर इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। बस अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और तैयार करेंगे हमारे बढ़िया से पेटीज। यहाँ पर मैंने आलू में सभी मसाले को बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। एक डो की फॉर्म में हमारा आलू का मसाला यहाँ पर आ गया है। अब इससे हम छोटे छोटे पेटीज बनाएंगे। यहाँ पर हम पेटीज बनाएंगे, इसके लिए हम लेते हैं आलू का एक छोटा सा पोर्शन इस तरह से। पेटीज का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज में पेटीज बना रही हूँ। इन्हें हम इस तरह से हाथों में अच्छे से गोल करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इस तरह से। साथ ही इसके जो किनारे हैं इन्हें इस तरह से हथेली में घुमाते हुए इस तरह से इसे सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पेटीज को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपने सभी पेटीज तैयार करेंगे। यहाँ पर हम पेटीज को शेलो फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पेटीज को फ्राई करने के लिए एक तवा लिया है। तवे के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर।
यहाँ पर मैं पेटीज को बटर में फ्राई कर रही हूँ, इससे पेटीज का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा हमारा बटर मेल्ट हो गया है, इसमें ही हम अपने सारे पेटीज को इस तरह से रख देंगे। मीडियम गैस पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। अल्टी पल्टी करते हुए हम पेटीज को बढ़िया सा फ्राई होने देंगे। हमारे पेटीज को यहाँ फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा बटर और। ये है मेरे पास ब्रश। ब्रश की सहायता से हम थोड़ा सा बटर सभी पेटीज के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं इनकी एक साइड। ये देखिए, इस तरह से इन्हें पल्टी करेंगे। देखिए, बढ़िया सा गोल्डन कलर एक साइड आ गया है हमारे पेटीज में। अब सभी पेटीज को हम इसी तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दूसरी साइड से भी हमारे पेटीज को फ्राई होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बढ़िया से पेटीज हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए, दोनों साइड से मैं इसे टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बढ़िया सा कलर दोनों साइड से हमारे पेटीज में आ गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सभी पेटीज को इस तरह से टर्न कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और बनाएंगे हमारा बढ़िया सा रगड़ा पेटीज। आइए बना लेते हैं गर्मा गर्म रगड़ा पेटीज। रगड़ा पेटीज के लिए यहाँ पर ये जो हमने रगड़ा बनाया है उसका यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने ली है मीठी चटनी। ये खजूर और इमली की मीठी वाली चटनी है। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है ये तीखी वाली चटनी। किस तरह से इन चटनियों को मैंने बनाया है इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है। आप आई बटन पर चेक कर लीजिएगा कि इस तरह की चटनियों को हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है नायलॉन सेव। साथ ही मैंने लिया है प्याज। इसे मैंने बहुत अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे हरे धनिए को। और यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला। आइए रगड़ा पेटी सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लेट। प्लेट में हम सबसे पहले जो हमारी टिकिया है इसे एडजस्ट करेंगे। इसे आलू की टिकिया भी कहते हैं और पेटीज भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने पेटीज को रख दिया है। अब हम इसमें रखेंगे हमारा रगड़ा इस तरह से। बहुत बढ़िया स्नैक है ये। इस तरह से हमने यहाँ पर रगड़ा रख दिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें मीठी चटनी। इस तरह से रगड़ा पेटीज घर पर बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बन जाता है। घर पर हम बनाते हैं तो बहुत हाइजीनिक होता है ये। बहुत जल्दी और फटाफट से बनने वाला ये चाट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। इस तरह से मैंने जिन्हें बारीक बारीक कट करके रखा है प्याज को हम इस तरह से डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे सेव। ये जो बारीक नायलॉन सेव है इसे हम डाल देते हैं। चटनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे हमारा चाट मसाला। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। ये लीजिए, हमने तैयार कर लिया है बहुत बढ़िया सा एक चाट। अभी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इतना बढ़िया सा चाट अपने घर पर जरूर बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।